मैंने पूछा किसी ने कि आप कैसे सोचते हैं कि अगर स्नो लेपर्ड पे आप रिसर्च की बात कर रहे हैं यहाँ पे इस आश्रम में, यहाँ पे भी बहुत बढ़िया कॉन्वोकेशन सेंटर टाइप बन सकते हैं उस टाइप के, सेंट्रली एयर कंडीशन हॉल्स रहने का सेटअप। तो मेरे को मैंने स्वामी जी से पूछा, वही स्वामी सुंदरानंद, मैंने सर आपने कभी स्नो लेपर्ड देखा है? कहते हैं बहुत बार। मैंने कहा फोटो खींची? कहते हैं वैसे खींची नहीं गई क्योंकि वो बहुत फास्ट मूवमेंट होता है उसका, और मेरे पास जो कैमरे थे पुराने जमाने के थे। मैंने कहा आज की तारीख में अगर किसी को आपने भेजना है ऊपर स्नो लेपर्ड को देखने के लिए, तो आप कैसे वो करेंगे? बगैर सोचे उन्होंने सीधा मेरे को बोलना शुरू करा, जो मैं अभी नेगी सर से और डोवाल सर से भी शेयर कर रहा था। कहते हैं एक आदमी को एक कमरे में बंद करो, उस कमरे में कोई 15-20 बकरियां रखो, उस आदमी को एक महीने या 15 दिन तक उस कमरे में रहना चाहिए, खाली वो खाना खाने के लिए बाहर आ रहा है, बाकी अंदर ही रहे। अब धीरे धीरे 15 दिन में ना उसकी बॉडी में उन बकरियों की वो स्टिंक, वो स्मेल इनहेरेंट आनी शुरू हो जाएगी। कहते हैं फिर उस आदमी को ना स्नो लेपर्ड ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो पहाड़ पे जाएगा स्नो लेपर्ड उसे ढूंढेगा। हमारे पास में वो सब है, लेकिन हमारे पास में वो दिमाग नहीं है जो इस चीज को ग्राउंड पे कैसे फ्यूचर के लिए कर सकता है। और आज वो प्लेटफॉर्म जो वहाँ पे स्वामी जी का जो आश्रम है, वो इस चीज के लिए पूरा का पूरा अवेलेबल है। अगर ये प्रोग्राम कभी बनाया जा सके सर, तो खाली करना ये है यहाँ से गाड़ी से गंगोत्री तक, उसके बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी टोटली ऑफ कर्नल अजय कोठियाल स्वामी। हमारा नाम स्वामी जी ने कर्नल अजय कोठियाल स्वामी कर दिया है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और हमको मजा आएगा इन जगहों पे जाकर के और अच्छी रिसर्च हो सकती है, उन जगहों पे पहुंचाना, वो हमारी काबिलियत है। बाकी हमें पता है कि यहाँ पे सब जो है हर कोई वहां पे जाना चाहता है, अगर ये कोऑर्डिनेशन बन सके तो उसका ना शायद मेरे को यहाँ पे जो बुलाया गया है, तो मैं पक्का गंगोत्री से आया हुआ एम्बेसडर इसे बड़ा अच्छा मानूंगा।